एसबीआई बैंक में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जहां एटीएम से रुपए निकालने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पेंशनधारी एसबीआई से पेंशन लेने जाते हैं तो उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता है और उसके बाद कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि एसबीआई की सर्विस दिन पर दिन खराब होती जा रही है। परेशान हो रहे हैं, पैसा ही नहीं है खाते उसमें। अरे एटीएम की यही परेशानी, एटीएम के लिए परेशान हो रहे हैं और एक एटीएम चल भी नहीं रहा है इसका। और बैंक जाते हैं तो लंबी लाइन, और बैंक में जाते हैं तो क्या खड़े रहो आधा घंटा 15 मिनट। अभी बैंक से जा रहा हूँ, कितना आधे घंटे खड़े रहो। एटीएम एसबीआई की सर्विस सही नहीं दिखी, एसबीआई की सर्विस अब धीरे धीरे खराब हो रही है। आज स्थिति ये है ओल्ड सिटी में आसपास में, पेंशन के लिए जब महिलाएं 60 साल 65 साल की महिलाएं मध्य प्रदेश शासन ने जो पेंशन दे रखी है उसके लिए जब जाती है तो 2-3 घंटे बैंकों में बिठाया जाता है, बिठाकर उनको भगा दिया जाता है। स्थिति ये है कि ना तो ओल्ड सिटी में कोई बैंक लोन देने को तैयार रहता है, ना गरीबों के लिए जो पैसा आता है उस पर उसके लिए खड़ा रखते हैं, भगा देते हैं। ये स्थिति ये है कि ओल्ड सिटी में, और ये कहकर भी रवाना कर देते हैं कि कि आपका क्षेत्र ब्लैकलिस्टेड है। एसबीआई बैंक तो जो 10,000 नगर निगम ने दिए वो तक नहीं, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, कोई भी शासकीय संस्था है जब पैसा देती है डायरेक्ट हाथ में नहीं देती है, बैंक को देती है। बैंक हमें प्रोवाइड करता है, छोटे मोटे लोन आते हैं बैंक देता है, लेकिन महीनों चक्कर लगाने के बाद, एक सोची समझी साजिश कहते हैं, महीनों चक्कर लगवाने के बाद वो वापस कर देते हैं, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती, कह देते हैं कि आपका लोन हमने वापस कर दिया है, आप दोबारा भिजवाइए।